अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदी कहता हूँ। और मुझे ये ना जो मैं आज एनालिटिकल क्वेश्चन सोल्व करने लगा हूँ, ये मुझे कमेंट्स में किसी दोस्त ने कमेंट्स किया कि इस पर वीडियो बनाऊँ कि ये किस तरह सोल्व होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल का आइकन बटन है ना उसको भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यानी कि ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, मुझे कमेंट्स में यानी कि किसी दोस्त ने पूछा है कि इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि सुपरवाइजर ऑफ कमोटर एयरलाइन, को एयरलाइन है उसको शेड्यूलिंग करनी है पायलट्स की। उसमें उन्होंने कहा कि इसको सिटी एक्स से सिटी वाई तक उनका ट्रिप है और ट्रिप में 2 घंटे लगते हैं। जो एयरलाइन है ना उनका जो राउंड ट्रिप है फ्लाइट्स का वो मॉर्निंग और एक मॉर्निंग में होता है और एक होता है आफ्टरनून, दो इनके यानी कि फ्लाइट्स के वो होते हैं। ये मंडे से यानी कि फ्राइडे तक इनके पायलट्स की इनकी फ्लाइट होती है, सैटरडे और संडे नहीं होती। और पायलट जो होते हैं ना वो मस्ट बी शेड्यूल इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रूल्स। आपने यानी क्वेश्चन गौर से पढ़ना, अब ये रूल्स आ गए हैं इनके मुताबिक हमने बनाना है कि किस तरह वो फ्लाइट्स को यानी कि वो अरेंज करेंगे। उसने कहा कि जो है ना डब्ल्यू एक्स और वाई ये सिर्फ मॉर्निंग में ही फ्लाइट कर सकते हैं, और इसी तरह उसने कहा कि बी एक्स और जेड ये जो फ्लाई कर सकते हैं सिर्फ आफ्टरनून में, ये दो उसने दे दिए पहले। उसके बाद उसने दिया कि जो से है ना एक पायलट यानी कि एक ही दिन में 2 दफ़ा फ्लाई नहीं कर सकता, यानी कि मॉर्निंग और यानी कि आफ्टरनून उसमें फ्लाई नहीं कर सकता। और उसकी दूसरी चौथी जो है रिक्वायरमेंट वो है कि जो पायलट है ना वो 2 कंजक्टिव डेज यानी कि एक अगर मंगल को कर दिया तो वो बुध को फ्लाइट नहीं करेगा। इसी तरह उसने कहा है जो हमें दे रही है कि एक्स जो है ना वो लाजमी ही बुध वाले दिन ना मॉर्निंग की जो फ्लाइट है वो उड़ाएगा। उसके बाद उसने जो उसे आखिरी रिक्वायरमेंट दी है वो दी है कि जेड जो है ना वो मस्ट फ्लाई द ट्यूजडे आफ्टरनून, जो जेड है ना वो लाजमी ही जो है ना वो मंगल वाले दिन आफ्टरनून को उसने फ्लाइट लेनी ही लेनी है। अब आपने सवाल पढ़ लिया, अब सवाल पढ़ने के बाद आपने करना क्या है, आपने ये सवाल पढ़ने के बाद इसको शॉर्ट फॉर्म और आपने यानी कि जो आपने समझा है उसको आपने इसको बना लेना है। अब मैं उसको बनाने का वो तरीका बताऊंगा, आप वो तरीका देखें। तो आप को यानी कि आप अगर आप बेसिक सवाल आप जितने मर्जी से वो पढ़ लें, नीचे जो आ रहे हैं वो उनके मुताबिक आपको जवाब उस वक्त ही आएगा जब आप इसको समझेंगे और इसको अपने यानी कि उसके मुताबिक अरेंज करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक हम इसको अरेंज करने की कोशिश करें। चलो अब देखते हैं किस तरह हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। जी तो शुरू करते हैं हम किस सॉल्व करेंगे, यानी कि सवाल में उसने जो दिया हुआ आप देखें, उसने सवाल के अंदर दिया है कि ये मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन फ्लाइट होंगी और इसमें जो उनके मोड है वो होगी मॉर्निंग में होगी और आफ्टरनून में यानी कि फ्लाइट होगी, ये 2 यानी कि वो हैं। अब जो सवाल में उसने यानी कि कहा कि W यानी कि मैं लेता हूँ आपको सवाल के अंदर लिख देते हैं, यानी कि उसने कहा जिनसे है ना ये W X और जो ये Y है ये सिर्फ मॉर्निंग में ही फ्लाइट करेंगे। और उसके बाद जो उसने दूसरी रिक्वायरमेंट यानी कि कहा कि उन्होंने कहा वी और एक्स और जेड ये आफ्टरनून में यानी कि फ्लाइट करेंगे। अब जो इसमें एक्स है ना वो है कि दोनों यानी कि नून मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी फ्लाई कर सकता है, बाकी सिंगल यानी कि मॉर्निंग में ही करेंगे और ये इवनिंग आफ्टरनून में ही करेंगे। अब ये आ गया। अब जो दूसरा उसने कहा कि कोई भी पायलट यानी कि एक दिन में 2 दफ़ा यानी कि अगर एक्स ने मॉर्निंग में कर ली तो इवनिंग में नहीं करेगा, आफ्टरनून में नहीं करेगा। और उसके बाद उसने कहा कि लगातार यानी कि अगर एक्स ने यानी कि बुध वाले दिन फ्लाइट ली है तो वो जुमेरात को नहीं लेगा, जुमे को ले सकता है। इसी तरह उसने कहा कंजक्टिव डे में नहीं ले सकते, यानी कि डे आफ्टर डे वो फ्लाइट नहीं ले सकते और सेम डे भी नहीं कर सकते, ये 2 आ गए। उसके बाद जो उसने तीसरी बताई ना हमें यानी कि जो एक्स है ना वो मस्ट फ्लाई वेनसडे यानी कि जो उनसे है ना बुध वाले दिन मॉर्निंग उसने लाजमी लेनी है। अब ये मॉर्निंग आ गया और ये बुध वाले दिन एक्स लाजमी है, ये एक्स लाजमी हमें पता लग गया कि इधर लाजमी एक्स ने यानी कि फ्लाइट करनी करनी है। अब जो आखिरी है जेड मस्ट फ्लाई ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून, और जो जेड है ना
उसने ट्यूसडे को लाजमी ही यानी कि फ़्लाइट लेनी है आफ्टरनून में, ये आ गया। अब हमने इनको अरेंज करना है किस तरह ये फ़्लाइट लेंगे, अब ये फ़्लाइट किस तरह लेंगे। अब ये एक्स जोन सा है वो यानी कि ना ट्यूसडे को फ़्लाइट ले सकता ना थर्सडे को ले सकता, एक्स लेगा फ्राइडे को, एक्स यानी एक दिन छोड़कर अगले दिन फ्लाइट कर सकता, तो ये कर सकता है एक्स फ्राइडे को एक्स कर सकता है। अब जो ट्यूसडे को कौन सी फ्लाइट करेगी, अब इसको हम ये भी देखना कि जो एक्स है ना अगर हम इसको मंडे में लिख दें तो ये अगर जेड वाले दिन यानी कि ये जो एक्स है वो दोनों में फ्लाई कर सकता है यानी कि मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी, तो इसको हम बड़ी केयरफुली हमने इसको प्लेस करना है कि हम किधर करेंगे। अगर हम एक्स को इधर मंडे में कर देते हैं तो इधर दो फ्लाइटें रह जाएंगी, तो फिर ये डे आफ्टर डे की रूल नहीं होगा, तो हमें जो एक्स है ना वो लाजमी ही जेड से एक दिन पहले या एक दिन बाद में प्लेस करना पड़ेगा, ये हमारी यानी कि ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर हम करते हैं तो एक्स यानी कि एक ट्यूसडे को तो यानी कि ये आ गया, पर थर्सडे को भी नहीं कर सकेगा क्योंकि ये आफ्टरनून को भी नहीं कर सकेगा, तो हम इसको जो प्लेस करेंगे वो मंडे को कर सकते हैं कि मंडे को आफ्टरनून में ले सकता है भाई, मंडे को आफ्टरनून में एक्स ले सकता, हम इधर एक्स मंडे यानी आफ्टरनून में फ्लाई कर सकता है। और इसके बाद हमने यानी कि क्या करना है, इसके बाद हम इनको अरेंज करेंगे कि मंडे को यानी कि ट्यूसडे को कौन सी यानी कि जो पहली मॉर्निंग में कौन सा ले सकता है। तो ट्यूसडे को हम लिख देंगे ये W फ्लाई करेगा, ये हो गया। और मंडे को फ्लाई क्या करेगा, मंडे को फ्लाई करेगा Y, ये हमने लिख दिया। अब ये हो गया, अब ये Y थर्सडे को भी फ्लाई कर सकता है, ये W भी कर सकता है, तो हम इसको यानी कि लाजमी नहीं है जो मर्जी फ्लाई करे, तो हम इसको यानी कि लिख लेते हैं वाई फ्लाई कर रहा है, वाई फ्लाई कर रहा है थर्सडे को, ये लाजमी नहीं है, डब्ल्यू भी आ सकता है, ये लाजमी नहीं है कि वाई ही करेगा, सिर्फ डब्ल्यू भी आ सकता है। तो ये हो गया, अब ये जो सा इधर जेड और ये नीचे अब आफ्टरनून के रह गए तीन, तो इसी तरह ये जेड ट्यूसडे को कर लिया, तो अब एक दिन रेस्ट के बाद ये थर्सडे को भी कर सकता है जेड फ्लाई, जेड थर्सडे को फ्लाई कर लेगा। अब बीच में रह गया वेनसडे को कौन सा करेगा, तो वेनसडे को इसमें वी रह गया, वी वेनसडे को फ्लाई कर सकता है, और वी एक दिन छोड़कर एक दिन फिर ये फ्राइडे को वी वी फ्लाई कर सकता है। ये हमने बना ली है इसकी वो यानी कि क्वेश्चन बना लिया, हम इसके मुताबिक हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और उनके आंसर्स देंगे। अब आपने ये अगर बना ली ना जब, तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन की यानी कि सॉल्व करने के बताता हूँ वो किस तरह सॉल्व होंगे। अब ये आपने जब बना लिया ना तो आपको पता लग गया कि मंडे को क्या फ्लाइट होगी, ट्यूसडे को क्या फ्लाइट, वेडनेसडे को क्या होगा, थर्सडे को क्या और फ्राइडे को क्या। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जी तो दोस्तों हम अब आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हमने किस तरह सॉल्व करना है, तो ये अब मैं आपको दिखाता हूँ हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर वन पूछा है, क्वेश्चन नंबर वन में उन्होंने पूछा विच ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, यानी कि कौन सी फ्लाइट ट्री होगी। अगर आपने ये बना लिया है तो अब हम देखेंगे कि हमने क्या डब्ल्यू, उसने कहा कि मंडे को फ्लाई, तो हमारे इसमें जो मंडे को डब्ल्यू फ्लाई नहीं हो रहा, तो ये भी सही नहीं होगा। इसी तरह उसने कहा कि जो एक्स है ना वो मंडे आफ्टरनून को फ्लाई कर सकता है, एक्स मंडे आफ्टरनून को फ्लाई कर सकता है, तो ये भी यानी कि वो हमारी सेट पूरी हो जाती है, लेकिन ये लाजमी नहीं है क्योंकि एक्स अगर मंडे को नहीं करेगा तो एक्स अगर तो ये एक्स इसको भी कर सकता है इधर, अगर लाजमी नहीं है कि फ्राइडे को करे तो ये इधर भी आ सकता है एक्स दूसरी इस पर भी, ये लाजमी सिचुएशन नहीं है। इसके बाद उसने कहा कि जो वाई है वो फ्लाई कर सकता है ट्यूसडे को, तो वो भी हमने यानी किया था, अगर डब्ल्यू तो नहीं करता तो वाई ट्यूसडे को फ्लाई कर सकता था, यानी कि चेंज हो सकती है इनकी पोजीशन, ये लाजमी नहीं है, मस्ट की सिचुएशन इधर नहीं आएगी, यानी कर सकते हैं लेकिन मस्ट नहीं है यानी कि फ्लाई हो सकता है, ये लाजमी नहीं है, हमने बनाई है सिचुएशन। इसके बाद डब्ल्यू फ्लाई थर्सडे, अब मैंने पहले भी कहा था जो W ये T को भी यानी कि ट्यूसडे को भी फ्लाई कर सकता है, थर्सडे भी कर सकता है, यानी कि चेंज हो सकती है, ये भी लाजमी नहीं है। उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन बची है ना E, Z flies a Tuesday afternoon flight, यानी कि ये देखें अब जो Z है ये T
ٹی کو اس نے لازمی یعنی ٹیوزڈے کو اس نے لازمی فلائی کرنا ہے. اب ٹیوزڈے کو فلائی کر کے یہ وینسڈے کو نہیں کر سکتا, تو اب یہ تھرسڈے رہ گیا ایک دن چھوڑ کر ایک دن, تو یہ لازمی ہی جمعرات والے دن فلائی کرے گا. تو یہ جو سی ای آپشن ہے نا, اس کی یہ کریکٹ آپشن ہے, اس کو ہم یعنی کہ یہ مسٹ سچویشن ہے ای, تو یہ ہمارا کریکٹ آنسر ہے ای, اس کی جو رائٹ آنسر ہے. اسی طرح کویشچن نمبر ٹو کو دیکھتے ہیں ہم. کویشچن نمبر ٹو ہے, اس کے مطابق اگر جو ان سے ہے نا وہ ایکس فلائز کرتا ہے فرائیڈے مارننگ کو, تو اس میں سے کون سی جو سچویشن ہے وہ درست ہوگی. اگر اب یہ دیکھ لیں, اب جو میں نے بنائی ہوئی ہے کہ فرائیڈے کو نا جو ایکس ہے وہ فلائی کرے گا, اب فرائیڈے کو ایکس فلائی کر رہا ہے, تو جب اب اس نے فلائی کرنی ہے تو یہ نہ تھرسڈے کو فلائی کر سکتا نہ یہ فلائی کر سکتا ہے, تو اس میں کون سی صحیح ہوگی. تو اس نے کیا ہے, ڈبلیو فلائیز ایگزیکٹلی ٹو ڈے, یعنی کہ کوشچن نمبر ٹو میں تھری چلا گیا تھا, کوشچن نمبر ٹو ہے ایکس ڈز ناٹ فلائی آن منڈے آفٹر نون. اس نے کیا کہا کہ ایکس جو سا ہے وہ منڈے کو فلائی نہیں کر سکتا لیکن کر سکتا ہے, میں نے بنائی ہے کہ وہ ایکس منڈے کو فلائی کر سکتا ہے. اس نے کہا ناٹ, تو یہ آپشن نہیں ہوگی. اس کے بعد کیا ہے, وی فلائیز آن فرائیڈے آفٹر نون, جو وی ہے وہ فرائیڈے آفٹر نون کو فلائی کر سکتی ہے. تو یہ دیکھیں میں نے بنایا ہوا کہ وی فرائیڈے آفٹر نون کو کرے گی, تو یہ ہمارا کریکٹ ہے, ٹھیک ہے, کر سکتی ہے تو کرے گی. اس کے بعد ڈبلیو جو فلائیز ہے وہ تھرسڈے کو ڈبلیو وائی کو کر رہا ہے. اسی طرح اس نے کہا کہ جو ہے نا ڈی وائی فلائیز تھرسڈے, وائی فلائز تھرسڈے بھی کر رہا ہے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے, مسٹ سچویشن نہیں ہے. مسٹ سچویشن اس وقت ہوگی جب یہ لازمی ہی اسے اس دن کرنا, اگر ہم یہ وی یہ دو ہی رہ جاتے ہیں, یہ ایکس اس کو کر رہا ہے فرائیڈے کو, اگر ایکس کو ہم ادھر سے چینج کرتے ہیں تو یہ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو یہ وی کی جو سچویشن ہے نا یہ ہے لازمی, باقی وہ فلائی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. ڈبلیو اور وائی کو ہم چینج کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جو کریکٹ آنسر ہے نا وہ یہ آ گیا, وی فلائز یعنی کہ بی اس کا کریکٹ آنسر ہے. یہ آپ نے اگر وہ بنائے ہوں گے نا آپ ایزیلی کوشچن کو سولو کر سکتے ہیں. اس میں ایک کوشچن کو پڑھنا ہے کہ لازمی سچویشن کیا ہے, یعنی کہ چینج اوور تو ہو سکتا ہے. اس کوشچن نمبر تھری آ گیا, اف ایکس فلائز اونلی ون مارننگ فلائٹ ڈیورنگ دی وی وچ آف فالوئنگ مسٹ بی ٹرو. اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جو ہے نا مارننگ میں ایکس صرف ایک ہی دفعہ فلائی کرے گا, تو یہ یعنی کہ فرائیڈے کو ایکس کر لے یا وینسڈے کر لے, تو صرف ایک ہی دفعہ فلائی کرے گا, دو دفعہ نہیں کرے گا ویک میں, تو پھر کون سی سچویشن ٹھیک ہوگی. اب یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح ہوگا, یا ہم ایکس کو ادھر وینسڈے کو فلائی کرا دیں یا فرائیڈے کو فلائی کرا دیں, صرف ایک ہی دفعہ ہوگا مارننگ میں, تو اس میں کون سی سچویشن ٹھیک ہوگی. اب ہم اس کو یعنی کہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے فلائی کرا دیا اس کو وینسڈے کو, اب ادھر ہم نے لگ دیا کہ ڈبلیو فلائی کرے گا اس کو فرائیڈے کو, ڈبلیو کر سکتا ہے وائی بھی کر سکتا ہے, دونوں کر سکتے ہیں, کوئی خاص یعنی کہ مست سچویشن نہیں ہے. تو اسی طرح اب ہم اس کو سولو کرتے ہیں, یعنی کہ اب کون سا جو سا دو دن فلائی کرے گا, اس میں ڈبلیو فلائی ایگزیکٹلی ٹو ڈیز مارننگ ویک, ایکس فلائیز ایگزیکٹلی آن تھری ڈیز مارننگ ویک, وائی فلائیز اونلی ون ڈے ڈیورنگ دس ویک, زیڈ فلائیز منڈے آفٹر نون اینڈ فرائیڈے آفٹر نون. یہ آ گیا. اس کے بعد ہے زیڈ فلائیز مور ٹائمز ڈیورنگ دا ویک دین وی ایکس. اب یہ دیکھیں اس نے کہا کہ جو ان سا وائی ہے نا صرف یہی دن میں دو دفعہ کرے گا, تو یہ دیکھیں اس میں ڈبلیو بھی دو دفعہ ہی کر رہا ہے, اس میں یعنی کہ وائی تھرسڈے کو آ گیا تو ڈبلیو ہی کرے گا, یہ ڈبلیو ہی فلائی کرے گا, ڈبلیو فلائی کرے گا یعنی کہ فرائیڈے کو. تو اس میں دیکھیے دو دفعہ ڈبلیو آ رہا ہے دو دفعہ وائی, تو وائی فلائیز ایگزیکٹلی ٹو ڈیز ڈیورنگ دس ویک, یہ ٹھیک ہے. اور اس میں جو وائی والی یعنی کہ اونلی یعنی کہ ٹو ڈیز ون ڈے غلط ہے, دو دن کر رہا وائی بھی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیڈ فلائیز منڈے آفٹر نون اینڈ فرائیڈے, زیڈ اگر منڈے کو فلائی کرے تو یہ جو ایکس ہے اس نے یعنی کہ لازمی ہی اس نے فلائی کرنا ہے, تو یہ بھی سچویشن ہماری فلفل نہیں ہو رہی. تو ہماری جو اے آپشن ہے نا یہ والی ایجنسی ہے, یہ کریکٹ آنسر ہے کہ ڈبلیو دو دفعہ فلائی کرے گا ڈیورنگ دا ویک, اگر ایکس ایک دفعہ فلائی کرتا ہے ہفتے میں. تو اسی طرح کویشچن نمبر فور جو آخری ہے اس میں, اس میں اس نے پوچھا کہ اگر ڈبلیو جو سا ہے
वो शेड्यूल फ्लाइट ऑल ड्यूरिंग दिस वीक, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर जो W है ना वो फ्लाई ही नहीं करता इस वीक के अंदर, तो हमारी कौन सी सिचुएशन यानी कि वो फ्री होगी? अगर हमारी ये वाई यानी कि नहीं करता, तो हम इसको एक्स को इधर ले आएंगे, एक्स इधर फ्लाई करेगा, इसके बाद वाई करेगा, फिर एक्स करेगा, फिर वाई करेगा, यानी कि इसमें एक्स दो दफ़ा और वाई तीन दफ़ा फ्लाई करेगा। यानी कि एक्स फ्लाइज ऑन मंडे मॉर्निंग, एक्स फ्लाइज ऑन मंडे, वी फ्लाइज ऑन मंडे आफ्टरनून, और वाई फ्लाइज ऑन थर्सडे मॉर्निंग। तो इसमें एक तो ख्याल रखें कि जो मॉर्निंग की है ना वो डिस्टर्ब होगी, और जो वाई की है ना वो इसमें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो यानी ये देखें तो आप इसमें जो सी है ना, जेड फ्लाइज ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, इसके अंदर यानी कि जो भी उन्होंने कहा कि मस्ट बी ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि जो सी है ना उसके अलावा कौन सी दुरुस्त है। अब इसने ये नहीं कहा कि कौन सा दुरुस्त एक्सेप्ट का, उसने एक्सेप्ट यानी कि जो इसमें हमने चूज करना ना उसके अलावा बाकी तमाम ही दुरुस्त है, और जो हम चूज करेंगे वो दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब ये है, एक्सेप्ट का मतलब ये, अगर वाई और डब्ल्यू एन सी होती है ना वो शेड्यूल ही नहीं करती यानी कि पूरे वीक में, तो हम इसका क्या करेंगे, इसमें शेड्यूल नहीं करती तो एक्स एन से है ना तो वो फिर आफ्टरनून में फ्लाई नहीं कर सकता। आफ्टरनून फ्लाई नहीं करेगा तो हम इधर मंडे को वीक को फ्लाई करा सकते हैं, लाजमी हो जाएगा कि कराएं, क्योंकि एक्स चला गया ऊपर। इसी तरह ये वी फ्लाइज ऑन मंडे ये भी हो गया, एक्स फ्लाइज ऑन मंडे मॉर्निंग ये भी हो सकता है, वाई फ्लाइज ऑन थर्सडे मॉर्निंग, वाई फ्लाई थर्सडे मॉर्निंग हो सकता है, जब एक एक्स और एक वाई हो गया तो हम इसको कर सकते हैं, या मंडे को वाई एक्स कर सकते हैं, इसी तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये हो सकता है। जो जेड फ्लाइज ऑन फ्राइडे आफ्टरनून है ना, ये यानी कि इसमें यानी कि हमारे वो शर्त में नहीं पूरा होता, तो ये करेक्ट आंसर इसका डी करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर डी है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, लेकिन इसको समझने के लिए टाइम वो लगता है किस तरह यानी कि फ्लाइज हमें करानी है। तो ये उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली जो वीडियो तक अगर नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please like, comment and share and subscribe my channel for more.